मैंने इसी होप में लिया था कि अगर ये पिक्सी को रिप्लेस कर पाए. यू सी, हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी कि बिकॉज ये मेडिकेटेड से प्रोडक्ट है, इसमें ना ये इसको हम खोल सकते हैं. लेट्स सी ये कैसा है. और हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक. आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्किन केयर हॉल प्लस फर्स्ट इम्प्रेशंस. और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे ही. कुछ एक हैं जो मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं, बाकी सब आपकी रिक्वेस्ट्स पे मैंने लिए हैं. सो इफ इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं इधर फ्रॉम Amazon और फ्रॉम Macaron Beauty, और कुछ एक हैं जो Nykaa से होंगे. बट दिस इज़ नॉट अ Nykaa's हॉल. Nykaa की पिंक सेल का हॉल अलग से बनेगा. जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं जो मुझे अभी आए नहीं हैं, जैसे आएंगे मैं उनका रिव्यू कर दूंगी. ये प्रोडक्ट मेरे उससे पहले के लिए हुए हैं. सबसे पहले मैंने पिक किया है दिस ब्यूटी ऑफ जसून जॉसन वट एवर जो भी है का प्रोपलिस प्लस नियासिनामाइड वाला सिरम. इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि इसका रिव्यू करो. सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट इट. इस तरह की अंदर की प्लास्टिक ड्रॉपर पैकेजिंग, पहले मुझे लगा था कि शायद एक ग्लास पैकेजिंग है, बट नो. और इसका जो टेक्सचर है इट्स वेरी थिक. इट्स नॉट अ सिरम, इट्स अ जेल. लाइक जब आप इसको ऐसे पूरा पंप करते हो ना तो सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट निकलता है, लाइक सिर्फ एक ड्रॉप इसमें से निकलती है. इसके आपको कम से कम 2 से 3 ड्रॉपर लग जाएंगे, मतलब अगर आपको पूरे फेस के लिए चाहिए. बट हाँ, टेक्सचर काफ़ी सूदिंग है, जेल लाइक टेक्सचर है. सो इट्स ए बेटर होता कि ये ट्यूब पैकेजिंग में इसको बना देते. बट हाँ, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है. तो अभी मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया है बिकॉज अभी मैं जो राइस टोनर है थैंक यू फार्मर का, उसके साथ एक चैलेंज वीडियो कर रही थी, इसलिए मैं क्लब नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे पता नहीं चलता ना ये काम किया या वो काम किया. पर जब मैंने इसको यूज़ किया था उसके साथ कॉम्बिनेशन में, तो बहुत ही ऐसे अमेजिंग सा ग्लो मुझे फेस पे फील हुआ था. बट हाँ, अभी लेट्स सी इसको फिनिश करते हैं, देन देखते हैं कि ये लॉन्ग रन में क्या मुझे बेनिफिट देता है. नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस मेडगास्कर सेंटेला टोनिंग टोनर फ्रॉम स्किन 1004 की आउटर पैकेजिंग है एंड दैट्स द इनसाइड बॉटल पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग है. तो इसका ना मैंने ये सेंटेला वाला आई थिंक मैंने एम्प्यूल ऑर्डर किया है Macaron की ग्लोबल सर्विस से. तो आई थिंक वो जो 3-4 महीने बाद आएगा, हालांकि मैंने किया वो ऑर्डर नवंबर में था, आई थिंक नवंबर एंड में शायद किया है. तो होप है कि अभी फरवरी में मुझे ये मिल जाए. बट KYC मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सबमिट करी है, तो आई डोंट नो कि अब कितना टाइम लगेगा. बट हाँ, कुछ दिन पहले जब मैंने देखा तो ये ऑफिशियली ही लॉन्च हो गया यहाँ पे Macaron की साइट पे. तो फिर मैंने ये 2 प्रोडक्ट वहाँ से ऑर्डर कर लिए. एक तो है दिस वन. नाउ ये मुझे लगा था कि ये सिर्फ सेंटेला टोनर है, कामिंग टोनर है. बट देन जब मैंने वहाँ देखा तो इसके अंदर लिखा हुआ था कामिंग एंड एक्सफोलिएटिंग. तो एक्सफोलिएटिंग टोनर भी है, इसके अंदर PHAs डले हुए हैं. तो पहले मुझे नहीं पता था, तो मैंने शायद कुछ मिक्स कर लिया एंड देन आई गॉट इरिटेशन. तो मेरे को यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े एक्नेस निकल गए थे जो मैंने अभी काम डाउन कर लिए हैं. बस मार्क्स हैं थोड़े बहुत, वो मैं ठीक कर लूँगी. सो वो था. तो अभी के लिए तो ये है कि वाटरी टोनर है, सूदिंग का तो भी फर्स्ट इंप्रेशन में क्या पता चलेगा. बट हाँ, दैट्स द वन थिंग कि अगर आप इसको सोच के ले रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ टोनिंग आपके उसको काम डाउन करने में हेल्प करेगा, सिर्फ सेंटेला है, नो, दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग टोनर. सेकेंड जो मैंने यहाँ से पिक किया इज दिस सेंटेला हेलवा सीका ब्लू सिरम. अनडाउटेडली यू गाइस नो आई लव दिस कलर, तो ऑफकोर्स मुझे तो ये ट्राई करना ही था. दैट्स हाउ द इनसाइड ग्लास, दिस इज द पम्प पैकेजिंग, ग्लास पम्प पैकेजिंग लुक्स लाइक. टेक्स्चर इसका जेल लाइक है, इट्स नॉट अ क्रीम, इट्स नॉट अ रनी वाटरी सिरम. इट हैज़ अ वेरी नाइस ब्लू कलर का क्रीम सा टेक्स्चर है. काफ़ी सूदिंग फीलिंग आती है जब इसको फेस पे अप्लाई करते हो. बट अगेन मैंने इसको 1 या 2 बार ही ट्राई किया है. वी विल सी कि क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट मैंने पिक किया था Macaron से ही, दिस इज स्किन फूड का एवोकाडो वाला लिप बाम. ये मैंने ट्राई किया था, इसमें से बड़ी वियर्ड सी स्मेल आई थी. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक.
बट अभी एक बार ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे से सुपर मॉइस्चराइजिंग मुझे नहीं लगा, बिकॉज मेरा जब भी मैं कोई लिप बाम लेती हूँ उसका कंपैरिजन सीधा लनेज से होता है, तो अगर लनेज के बराबरी का कुछ हो तब तो ठीक है, उससे नीचे होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, अभी इसको और टाइम दे के फिर बताती हूँ कि कैसा है। स्मेल इसमें से हल्की सी वही एवोकाडो जैसी है, वियर्ड सी, बट हाँ ठीक है, विल ट्राई इट एंड देन विल सी कि कैसा ये निकलेगा। नेक्स्ट मैंने ऑफकोर्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड इज नंबज़िन, यहाँ से मैंने सबसे पहले तो पिक किया दिस नंबर 4 कोलेजन 73 पुडिंग। इस तरह की ये अंदर की इसकी पैकेजिंग है, ये फ्रॉस्टेड ग्लास पंप पैकेजिंग में आता है। मैंने इसको भी ओपन नहीं किया है बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने काफ़ी सारे ऐसे सिरम लिए हैं, तो आप मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सा पहले ट्राई करना है, तभी मैं उनमें से कोई एक खोलूँगी। ऑफकोर्स प्रोपोलिस वाला तो खुल चुका है दिस, एंड सेकेंड मैंने पिक किया है दिस नंबर 5 गुड बाय ब्लेमिश सिरम। इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, पहले मैं इसको नहीं लेने वाली थी बिकॉज दिस इज़ अ विटामिन सी वाला सिरम, और मेरे को बहुत बार बताया है कि विटामिन सी मैं पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता, लाइक माई स्किन इज सेंसिटिव ना, तो विटामिन सी समटाइम यू नो रिएक्ट ऑन माई फेस। वो जब मैंने देखा कि हाँ बहुत सारे वहाँ पे ऐसे रिव्यूज़ थे कि इवन सेंसिटिव स्किन पे भी परफेक्टली काम कर जाता है, दिस वन इज़ ग्रेट फॉर ब्लेमिशेज, सो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ये भी ग्लास पंप पैकेजिंग है, बीच में कुछ मुझे वो दिख रहे हैं बबल से बने हुए, सो एक मैंने ये लिया है। ऑफकोर्स कोलेजन वाला है वो तो वेल एजिंग टाइप का है, ये मार्क्स को टैकल करने वाला है, और जो नेक्स्ट वाला है वो मार्क्स को टैकल करने वाला है, तो आप मुझे बताना इसमें और उसमें से कौन सा मैं स्टार्ट करूं पहले। सो इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, दिस वन इज़ एक्सेस बाय का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सिरम। इस तरह की पतली सी पैकेजिंग है, ट्यूब पंप पैकेजिंग है, इस तरह की ये दिखती है। इसके अंदर है आपका 5% नियासिनामाइड, स्क्वालेन एंड HR फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सो वो है इसके अंदर। ये भी आपके डार्क स्पॉट करेक्शन के लिए है। दिस नंबर 5 इज ऑल्सो फॉर ब्लेमिश केयर, तो ये दोनों ही मार्क्स को टैकल करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ तो एक काम करूँ कि एक को एक साइड पे लगाऊँ, दूसरे को दूसरे साइड पे टेस्ट करूँ, एंड देन देखूँ कि हाँ क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, या एक एक करके करूँ, समझ नहीं आ रहा। बताना कि इन दोनों में से पहले कौन से का रिव्यू चाहिए, तो वो मैं पहले स्टार्ट करूँगी। आई विल गिव एटलीस्ट 20-21 डेज टू अ प्रोडक्ट, तो तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मार्क्स जो है वो लाइट हो रहे हैं या नहीं। तो बताना आउट ऑफ दीज टू विच शुड आई स्टार्ट फर्स्ट। अदर सिरम ये भी आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी पहले कि इसका ट्राई करना, दिस इज़ TW बिफडा एम्प्यूल फ्रॉम इजन ट्री। इसकी मैंने बिफडा आई क्रीम ट्राई करी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने अभी वो ग्लोबल वाली सर्विस से इनकी ऑर्डर भी करी है, जो अभी मुझे नहीं मिली है, जब आएगी तब देखेंगे। तो ये भी मैंने अभी ओपन नहीं किया है, बट लाइक आई कैन सी कि अंदर कंसिस्टेंसी मुझे वाटरी दिख रही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये थोड़ा सा एम्प्यूल लाइक थोड़ा सा थिक टेक्स्चर में होगा, बट यहाँ से मुझे ये वॉटरी सा ही फील दे रहा है, लाइक यू कैन सी। तो अब ये ऑफकोर्स दिस पुडिंग वाला सिरम, तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करने वाले हैं, तो फिर इन दोनों में से भी बता देना कि पहले ये देखूं या ये वाला ट्राई करके देखूं। नेक्स्ट परचेज मैंने किया था फ्रॉम रिवेला बिकॉज मेरा सैलिसिलिक एसिड, मैं ऑर्डनरी वाला यूज़ कर रही थी मास्क, वो भी ओवर हो गया था, एंड उसके बाद मैं पिक्सी वाला भी करंटली ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद आई थॉट कि आई नीड वन सैलिसिलिक एसिड सीरम, तो क्या ट्राई करूँ, सो आई थॉट कि चलो रिवेला वाले को ट्राई देती हूँ, बिकॉज रिवेला वाले मैंने उसके बाद भी काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई किए थे, कुछ एक मिस हैं कुछ एक हिट हैं, जो बाद में बताऊँगी कौन से वाले मिस हैं। हिट तो आपको पता है उनका पेप्टाइड, तो मैंने यहाँ से ये पिक किया इनका 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम। तो उस दिन इस पे ना बहुत अच्छी कुछ ऑफर सी थी कि प्रोडक्ट के साथ एक तो डिस्काउंट था और प्लस ये फ्री मिलनी थी, ये थी इनकी सैलिसिलिक एसिड प्लस हेलोनिक एसिड जेल स्पॉट ट्रीटमेंट टाइप ऑफ स्टफ। तो फिर मैंने ये पिक किए, इनको ऑफ कोर्स मैंने अभी ओपन नहीं किया है, तो जैसे वो पिक्सी वाला मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ वो काम कर रहा है या नहीं, अभी तक तो काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद फिर यूज़ दिस वन, और ये स्पॉट ट्रीटमेंट भी हम टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आइटम्स मैंने पिक करी हैं फ्रॉम नायका,
सबसे पहले तो ऑफकोर्स माई होली ग्रिल डर्माको पिम्पल पैचेज. यू गाइज नो हाउ मच आई लव दीज. आई डोंट नो मैंने कितनी बार ये नाइका से रिपर्चेज करे हैं. फर्स्ट इज दिस. और अगर आपने मेरी लास्ट जो नाइका वाली पिंक सेल का मैंने आपको रिकमेंडेशन वीडियो दिया है, अगर आपने वो चेकआउट करी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट्स के जो एक्स्ट्रा लिप टिंट्स हैं उनके बारे में बात करी थी. दो तो मेरे पास थे, उसके अलावा एक और शेड थी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, आई वॉन्टेड टू ग्रैब इट. तो वन फाइन डे आई डोंट नो ऐसे ही लाइक सेल नहीं थी, वैसे ही नाइका पे बहुत अच्छी ऑफर थी कि एक तो इस टिंट पे ऑफ थी प्लस ऑफर भी थी. तो इस बार मैंने पिक किया दिस वन एक्स्ट्रा लिप टिंट इन द शेड बेयर चेरी. और आई थिंक ये वाले के ना अब थोड़ा सा पैकिंग भी चेंज है, यू कैन सी. तो इसके ऊपर यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा बॉबी ब्राउन का ये लोगो भी यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है. और ये था इनका पुराना वाला, तो दैट्स द चेंज. तो इसके साथ भी मुझे इस बार मिली सेम बॉबी ब्राउन क्रश्ड लिप कलर, पर इस बार ऑप्शन में थी मेरे पास सिर्फ ये क्रैनबेरी वाली. तो आई डोंट नो ये कलर मेरे पे कैसा लगेगा. तो मैंने सोच लिया था कि चलो मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगी, मम्मी को दे दूँगी, भाभी को दे दूँगी, किसी ना किसी को फैमिली में दे दूँगी. बट दिस वॉज अ ग्रेट डील, लाइक यू कैन से कि ऑलमोस्ट 50% के ऑफ पे मुझे ये पड़ा है. ये 3100 का था, इस पर कुछ ऑफ थी 2700 के आसपास का, 2800 का मुझे ये पड़ा है. तो 2800 में मुझे टिक इज़ फॉर नो, इस पर लिखा हुआ है नॉट फॉर डेल सेल, तो इस पर प्राइस नहीं लिखा, पर आई थिंक ये भी 2300 के आसपास की ही लिपस्टिक है, या 25 या 3000 के आसपास की. तो इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ, सो विच वॉज अ ग्रेट डील. तो ऐसी डील्स में आप ग्रैब कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को. नेक्स्ट ये तीन प्रोडक्ट पे ना भाई साहब ऐसी भर भर के रिक्वेस्ट आई थी ना मुझे, तो मैंने कहा चलो अब तो ले ही लेती हूँ. हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी कि बिकॉज ये मेडिकेटेड से प्रोडक्ट हैं, फार्मेसी प्रोडक्ट्स हैं, और मोस्टली फार्मेसी प्रोडक्ट्स से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ. बट मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स डू इट. सबसे पहले तो इस पे रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की, दिस इज़ एजी डर्म 10%. इसमें 10% एजलिक एसिड डाला हुआ है माइक्रोनाइज्ड करके. इससे पहले मैंने कौन सा वाला ट्राई किया था, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, एसटेक नहीं पता नहीं कौन सा था, वो मैंने ट्राई किया था. पर वो ना थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर था बहुत ग्रिटी ग्रिटी था. ये मैंने भी ओपन नहीं किए आप लोगों के सामने, मैं फर्स्ट टाइम पे ओपन करने वाली हूँ इसको. इस तरह की ये अंदर की इसकी ट्यूब पैकेजिंग है. 15 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड दिस वन वॉज फॉर 324. पता नहीं क्यों लोगों को ये मिथ है कि फार्मेसी वाले प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, वेयर एज अगर आप उनकी क्वांटिटीज़ देखो ना तो वो बहुत कम होती हैं. लाइक अगर आप नॉर्मल सिरम की बात करो 600 वाले सिरम की, देखो यहाँ पे ये सील है, 600 वाले सिरम की बात करो तो वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 30 ml होती है. यहाँ पे आपको मिलती है मात्र 15 ग्राम है ना. और ये पता नहीं क्या इसके आगे लगा हुआ है, तो अब ये खुल गया है, ये कुछ इस तरह का है. ओह नाइस, दिस वन इज़ नाइस. इसका है देखो जेल क्रीम टेक्सचर जो काफ़ी ऐसे लाइट फील हो रहा है. हाँ दिस वन आई लाइक, ये अच्छा है. और ऐसे देखो मसाज करने पे भी ये ना थिक से टेक्सचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा और कोई स्मेल भी नहीं है. नाइस, दिस वन इज़ नाइस, आई लाइक इट. बट नाउ लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं. सेकेंड मोस्ट रिक्वेस्टेड फार्मेसी प्रोडक्ट वॉज दिस ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6%, लाइक ग्लाइको 6 क्रीम. इस तरह की आउटर पैकेजिंग है एंड दिस वन इज़ फॉर 220 rupees फॉर 30 ग्राम, विच इज़ स्टिल फाइन. ना इसको देखते हैं कि ये कैसी है, ये भी मैंने ओपन नहीं करी है. शक्ल कुछ इस तरह की है इसकी, लेट्स ओपन इट. और ये ऑलरेडी ओपन ही है, इसमें कोई भी ऊपर सील नहीं लगी हुई है. तो इसको करते हैं ट्राई इस हाथ पे, बिकॉज वहाँ पे लगा है एजलिक एसिड. लेट्स सी, यस दिस इज ऑल्सो अ जेल लाइक टेक्सचर, बट थोड़ा सा एज यू कैन सी जैसे मैं इसको मसाज कर रही हूँ ये थोड़ा सा थिक है एज कंपेयर टू एजलिक एसिड वन. और इसमें ना वियर्ड सी स्मेल है.
ये ना कभी आपने से पार्लर में जाके स्पाज में जाके स्पा वगैरह कराओ या ब्लीच करवाते हो ना, ब्लीच वैसा वाला स्मेल है इसमें, नॉट वेरी हैप्पी. सो ठीक है, चिप चिप नहीं हो रही है, बट दिस टेक्सचर आई रियली लाइक. बट मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट वॉज दिस एक्ने ओसी सीरम रेगुलेटिंग मॉइस्चराइजर. इस तरह की पैकिंग है ये, मैंने एक बार ओपन कर ट्राई करके देखा था हाथ पे जिस दिन ये मेरे पास पहुंचा था. इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में है ये, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था ब्रो. ये 75 ग्राम की क्वांटिटी है और ये 576 रुपीज़ के आसपास का है. टेक्सचर एक बार दिखा दूँ मैं आपको, यू सी इट हैज़ वेरी नाइस जेल क्रीम टेक्सचर, परफेक्ट बैलेंस ऑफ जेल एंड क्रीम. बहुत ज़्यादा लाइट है और पहले आपको लगता है कि आपको ड्यूई फिनिश देगा, बट जैसे ये सिंक इन हो जाता है ये थोड़ा सा मैट मैट फिनिश आपको देने शुरू कर देता है. और इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी है, नॉट वेरी हैप्पी बट स्टिल आई विल टेस्ट देम एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. तो ये तीनों प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए थे अमेजोन से. और यूजली अगर आप ये फार्मेसी या नेटमेट से ऑर्डर करते हो तो स्पेशली ये आई डोंट नो ग्लाइको वाली क्रीम के लिए आया था या आई थिंक एजीडर्म के लिए आया था, मुझे वहाँ पे लिखा होता कि प्रिस्क्रिप्शन शेयर करो, बट प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास था नहीं. तो दूसरा ऑप्शन होता है कि डॉक्टर कॉल करेगा आपको एंड देन आप उसको बोलोगे. तो इसके केस में भी मुझे अमेजोन पे भी सेम चीज़ हुई, प्रिस्क्रिप्शन मांगी इन्होंने और प्रिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थी. तो वहाँ पे मैंने लिखा कि हाँ आई वुड लाइक टू टॉक टू डॉक्टर. तो डॉक्टर का मुझे कॉल आया था, ही आस्क मी एज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है या नहीं है. देन उन्होंने वो ओके करके देन ये प्रोडक्ट मुझे आया है. सो यू सी कि ये जो है ये मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, ये जर्नली आप ऐसे उठा के नहीं लगा सकते हो, दे माइट बी स्ट्रांग. सो ये मैं हमेशा चीज़ आपको बोलती हूँ कि ऐसे कुछ भी उठा के मत लगा लिया करो, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड प्रिस्क्रिप्शन फॉर दीज. तो अभी भी मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हूँ, बट हाँ 6% है ग्लाइकोलिक एसिड तो आई कैन यूज़. एजिलिक एसिड भी 10% है तो मोस्टली सूट कर जाता है, ऐसे रिएक्शन नहीं देता है, बट स्टिल मैं पैच टेस्ट करूँगी इनके. हाथ पे तो मैंने लगा ही लिया, अभी देखो हाथों पे क्या होता है थोड़ी देर के बाद. बट हाँ इनके लिए मुझे टाइम चाहिए, इनको मैं रश में नहीं यूज़ कर सकती, तो उसके लिए यू हैव टू अलाउ मी टाइम. मैंने पिक किए हैं ये अर्थ रिदम के तीन प्रोडक्ट. पहले मुझे था कि मैं इनकी साइट से परचेज करूँ बिकॉज वहाँ पे कुछ बाय वन गेट वन का ऑफर था, बट वो ऑफर कुछ अच्छे से बन नहीं रही थी. मैंने कहा छड यार अमेजोन से पिक कर ले, तो अमेजोन पे भी ऑलमोस्ट उतने का ही है, थोड़ा 200 रुपये का फ़र्क पड़ा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं था. तो एक तो मैंने यहाँ से पिक किया इनका ये क्लेंजिंग बाम. हालांकि मैंने इनका क्लेंजिंग बाम पहले भी ट्राई किया है प्रॉपलिस वाला, तब तो वो टिन पैकेजिंग में आता था और मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने उसको क्लिनिक टेक द डे ऑफ बाम के साथ भी कंपेयर किया था, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, है ना. तो ये इस तरह की अंदर की इसकी पैकिंग है. पैकिंग ये बड़ी चेंज करी इन्होंने ओवर द ईयर, विच इज़ समटाइम इट्स ग्रेट, बट हाँ मोस्टली क्या होता है ना कि ये फॉर्मुलेशन भी चेंज कर देते हैं, दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट. तो अभी के लिए मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ बिकॉज करंटली आई एम यूजिंग वनीला को और नंबर्स इनका क्लेंजिंग ऑयल भी ओपन हुआ पड़ा है, तो ऐसे खोल के रख के फिर कोई पॉइंट नहीं है. बट इसको भी मैं जल्दी ट्राई करके आपको बता दूंगी कि ये कैसा है. दूसरा मैंने पिक किया दिस अर्थ रिदम का क्लियर स्किन मास्क. इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड और माचा ग्रीन टी है, दैट्स वाई मैंने ये पिक किया. इसको मैं अभी स्टार्ट कर सकती हूँ बिकॉज मेरा जो मास्क है 2% सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम ऑर्डनरी वो ऑलमोस्ट ओवो हो गया है. सो इसको हम खोल सकते हैं, लेट्स सी ये कैसा है. और देखिए क्वांटिटी है ही नहीं, देखो कितना ये खाली है अंदर से, ये बड़ा करते हैं यार. ये देखना जो ये नीचे का रिम दिख रहा है ना आपको, यहाँ से प्रोडक्ट शुरू है. ये ऊपर का तो उन्होंने एम ही बना रखा है, दिख तो ग्रीन कलर का ही रहा है, स्मेल भी एज सच नहीं है. यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसा निकलेगा. इट बी लाइक कि मैं अर्थ रिदम क्यों ट्राई कर रही हूँ. हुआ क्या कि एक ना यूट्यूब पे रैंडम एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें मुझे नाम नहीं याद कौन सा कौन थी वो, उन्होंने ना ये टिंट यूज़ किया था वहाँ पे और जैसे वो बहुत ही प्यारा सा फ्लश पिंक दिखा, तो आई वॉज लाइक कि ये तो मुझे पिक्सी जैसा लग रहा है. तो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि हाँ अगर पिक्सी जैसा ये वैसा ही अगर है तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा सस्ता है, पिक्सी ऑफ कोर्स 2000 का है. तो फिर मैंने भी ये ले लिया इनका ये लिप एंड चीक
टिंट, ये है इन द शेड मरमेड, इस तरह का दिखता है ये अंदर से। तो मैंने इसको ट्राई किया, इस पर लिप्स पे तो बहुत अजीब सा ये लगा, अमायरा के लिप्स पे ही अच्छा लगा था, चीक्स पे मैंने इसको ट्राई किया तो थोड़ी देर के बाद वैनिश हो गया था, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी करंटली पिक्सी लगा हुआ है बट इसके ऊपर ही मैं हल्का सा आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। पिगमेंट ठीक ठाक है बट थोड़ी देर के बाद ना वैनिश हो जाता है ये। लाइक उस रिव्यू में ना वो कह रहे थे कि बड़ा प्यारा सा ऐसे ग्लो सा देता है ये, तो मैंने इसी होप में लिया था कि अगर ये पिक्सी को रिप्लेस कर पाए, बट नो, यू सी गायब हो गया ना जितना भी मैंने लगाया था। यहाँ हाथ पे तो एज सच नहीं दिख रहा है पर यहाँ गायब हो गया। लाइक ये मैंने पिक्सी लगाया है पिछले 4 घंटे से जो अभी भी लगा हुआ है और ये गायब हो गया। तो ऑफ कोर्स बराबर नहीं है, बट हाँ इसको एक बार बेयर स्किन पे भी मैं लगा के देखूंगी। आई विल टेस्ट इट फॉर सम मोर टाइम एंड देन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। के साथ ना उन्होंने मुझे भेज दी ये फाइटो जेल सूदिंग फेस जेल फ्री मेरे ऑर्डर के साथ। इसके बाद एक और स्किन केयर हॉल वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें नायका के जो मैं प्रोडक्ट्स पिक किए हैं, नायका की सेल से वो, प्लस कुछ एक और हैं जो मैक्रॉन से ऑर्डर हुए हैं और कुछ एक स्किन बेस से मैंने ऑर्डर किए हैं आज। तो अभी देखो कब तक वो आते हैं, तो उसका भी मैं एक अलग से आपको रिव्यू प्लस फर्स्ट इंप्रेशन दे दूंगी जिनका मैं दे पाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने पूछे हैं आपसे दो चीज़ें कि उनमें से कौन सा पहले शुरू करना है, वो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा पहले करूँ। सो या विद दैट दैट्स इट एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।